क्वेश्चन पे, दिस इज फ्रॉम दिसंबर 2016. आपको ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, विद रियल एंट्रीज, और बी आपको दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, डिनोट्स द ए ट्रांसपोज, देन विच ऑफ फ्लोविंग इज अ पॉजिटिव डेफिनेट. तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए प्लस बी जो होगा, तो ए प्लस बी का मीनिंग क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो आपको ए के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि ए जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो अगर मैं ए को माइनस आइडेंटिटी पिक कर लेता हूँ तो ये माइनस टू आई मिल जाएगा, विच इज नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेट. तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स. सेकेंड ऑप्शन वो कह रहा है कि ए इनवर्स माइनस बी, सॉरी प्लस बी इनवर्स. तो अगेन ए को माइनस आई ले लो तो ये माइनस टू आई ही मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है. और सी ऑप्शन, अगर ए इंटू बी की बात कर रहा है तो ए इंटू बी क्या देगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज. और हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा, या इसके रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लो डायरेक्टली, क्यू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज एक्स. और इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि वाई ट्रांसपोज वाई, यहाँ वाई जो वैक्टर है वो क्या है, ए ट्रांसपोज एक्स है, ठीक है. अब मैं x अगर नॉन जीरो पिक करूंगा तो दिस इंप्लाइज y भी नॉन जीरो होगा. y नॉन जीरो क्यों होगा, a जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो नलिटी ऑफ a ट्रांसपोज जीरो होगा. नलिटी ऑफ a ट्रांसपोज जीरो है तो y नॉन जीरो आएगा जब भी x नॉन जीरो आएगा. और अगर x नॉन जीरो है, y नॉन जीरो है, y नॉन जीरो है तो y का y के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो हर नॉन जीरो वेक्टर का इमेज क्या हो गया, पॉजिटिव. तो ये जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट आएगा, ठीक है. और डी ऑप्शन में वो कह रहा है कि ए बी ए दे रहा है, तो अगेन ए को माइनस आई पिक कर लो तो ये भी माइनस आई आ जाएगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया. तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट शुड बी ओनली सी आंसर, क्लियर है.